दीपावली का त्यौहार आ गया, धनतेरस की खरीदारी चल पड़ी, दुकानदार पुराना सामान निकाल रहे हैं, बहुत छूट मिल रही है आप लोगों को, सब कुछ हाफ रेट में मिल रहा है, सड़कों के ऊपर सारा सामान डाल दिया गया और लोग खरीद रहे हैं भाग भाग करके, कहीं मैं न चूक जाऊं, मैं पीछे न रह जाऊं। कोई चांदी के सिक्के खरीद रहा है, कोई और कुछ खरीद रहा है, किसी को कुछ न कुछ लेते रहते हैं दीपावली के ऊपर। कोई गिफ्ट बांट रहा है, कोई डिब्बे बांट रहा है, आपस में लेन देन का व्यवहार चलता रहता है, बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है, इतना बिजी कि बस बांट दो, अपने लाइजनिंग मजबूत कर लो किसी भी तरह से, मौका आया है त्योहार का। अरे ये संसार की लाइजनिंग तो आपकी काफ़ी मजबूत हो रही है कई सालों से, थोड़ा अध्यात्म की लाइजनिंग भी मजबूत कर लीजिए आप, थोड़ी श्री राम के साथ भी अपनी लाइजनिंग मजबूत कर लीजिए, उनको भी याद कर लीजिए, बस लक्ष्मी के पीछे मत भागिए आप, कि चांदी के सिक्के ले आए, लक्ष्मी की पूजा करें, लक्ष्मी खुश हो जाएगी, और लक्ष्मी से अगर खुश हो गई बस वारे न्यारे हो जाएंगे, अगर लक्ष्मी पति खुश हुए तो और भी वारे न्यारे हो जाएंगे, लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगी लक्ष्मी पति खुश होंगे तो आप बहुत सुना होगा आपने, अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं, अलग अलग तरीके से पेश करते हैं, सब धर्मों का अपना अपना महत्व है, दीपावली का सिख का अपना है, हिंदुत्व का अपना है, जैन का अपना है, बौद्ध का अपना है, सब अपने अपने तर्क देते हैं, लेकिन दीपावली का आध्यात्मिक अर्थ दीपक जल जाना, दीपक जला देना, दीपक वो दीपक जो अंदर में जमा हुआ है, जो आपकी आत्मा में विराजमान है, अगर वो दिव्य ज्योति अगर जल गई एक बार, फिर नहीं सोचना पड़ेगा, एक बार जलाने की देर है, फिर वो पूरी उम्र जलती रहेगी, अगली दीपावली पे भी जलती रहेगी, होली पे भी जलती रहेगी, हर उत्सव के ऊपर जलती रहेगी। लेकिन ये जलेगी कैसे? आप थोड़ा आध्यात्मिक हो जाइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, श्री राम ने हमें जो सिखाया उस रास्ते पर चलने की, वो आए अयोध्या के अंदर, आए वनवास से, इसका अर्थ क्या है कि ऊपर से उतर करके आए, अंदर में उतर करके आए, ये अर्थ होता है उनका। जब वो अंदर में उतर के आएंगे, जब वो आपके अंदर विराजमान हैं और उनका अस्तित्व आपको नजर आएगा, तो फिर सब कुछ आपका बदली हो जाएगा एकदम अंदर से। अंदर के साथ साथ बाहर जो दीपावली है, आप देखते हैं कि आसपास सड़क के ऊपर छोटे छोटे दीपक बेचने वाले मिट्टी से बने हुए हैं, चाक पर बनाते हैं ऐसे घुमा घुमा करके, वो आजकल प्लास्टिक के दीपक चल रहे हैं और लाइटें वगैरह चल रही हैं। मैं मना नहीं करता कि आप इसका उपयोग मत करो, कि आप मत लगाओ, ये लगाओ, जरूर लगाओ, लेकिन कुछ जो गरीब हैं उनकी भी तो थोड़ी मदद की कर दी जाए ना, उनसे भी कुछ ना कुछ तो सामान ले लिया जाए। सब कोई उम्मीद करता है त्योहार के ऊपर, हर कोई ये सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए, मुझे कुछ ना कुछ हासिल हो जाए, मेरा परिवार चल जाए, मेरे घर भी मिठाइयाँ पहुँच जाएँ। अगर आप वो सड़क किनारे जो बैठे हुए लोग हैं, अगर आप उनकी मदद करोगे, वो दीपक खरीदोगे, तो आपके खरीदे गए दीपक से केवल आपका घर ही उज्जवल नहीं होगा, आपके घर में ही प्रकाश नहीं होगा, आपके खरीदे गए दीपक से जो दीपक बेच रहा है उसके घर में भी प्रकाश होगा। तो इसका बहुत ध्यान रखिए आप लोग, गरीबों की मदद कीजिए, जो जिनको ज़रूरत है उनकी मदद कीजिए हर प्रकार से, कैसे भी की कर सकते हैं, जैसे आप जितना कर सकते हैं उतनी कीजिए, प्रयास कीजिए। और मैं हमारे गोविंद धाम परिवार जो जुड़ा हुआ है,
जो हजारों लाखों लोग हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की खुशी के साथ मनाइए, घर के अंदर एक घी का दीपक जरूर जलाइए, कोई भी हो, चाहे 24 घंटे के लिए जलाओ, चाहे 12 घंटे के, लेकिन जलाइए जरूर, क्योंकि एनर्जी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ये नहीं जलाया और भाग गए, थोड़ा वहाँ बैठ करके आप ध्यान भी कीजिए, उसका सुमरण भी कीजिए, और आप जो आसपास लोग हैं उनकी मदद कीजिए।